हाय अंकिता। हाय मारिया। वाव अंकिता, तुमने तो दिल खोल के शॉपिंग की है। रिलायंस पार्ट में पूरे साल एमआरपी से कम दामों में चीजें मिलती है, सो आई वेंट ऑल आउट एंड आई स्पॉटेड सम रियली फ्रेश एप्पल्स एंड आई थॉट यू हैव टू बेक समथिंग। ओके, सो देन सिंस इट्स क्रिसमस, लेट्स मेक अ ब्यूटीफुल एप्पल केक। ओह यस, यम, लेट्स डू दैट। ये जो केक हम लोग बनाने जा रहे हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल एप्पल केक। तो मरिया, मैंने तुम्हारा एक स्टेप बचा दिया है। मैंने ऑलरेडी अवन को 180 डिग्री सेल्सियस पे प्रीहीट कर दिया। फैंटास्टिक। नाउ व्हाट डू यू वांट मी टू डू? ओके, नाउ व्हाट आई एम गोना मेक यू डू इज आई एम गोना मेक यू पुट दिस पेपर इनटू द बेकिंग टिन। या सो हियर। तो ये कितने इंचेस का बेकिंग टिन यूज कर रहे हैं? 9 इंचेस। 9 इंचेस। ओके, सो बेसिकली सॉफ्टन बटर यूज करना पड़ता है एंड you need nice fresh crisp apples. I have got you nice so thank fresh you for crisp that. apples. This is very beautifully done, Ankita. ये हम लोग रखते हैं. Okay, पहले step है creaming. Creaming butter okay. and sugar. Butter and sugar has to okay. be creamed. How much sugar is this? This is, let me check my recipe. This is half a cup of sugar and it is just about half a cup of butter. ठीक है, so I'll cream it for yes. you. Yes. Softened butter? It's softened butter. तो ये क्रीमिंग मेथड बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट एड्स अ लॉट ऑफ फ्लफीनेस टू द केक एंड ओनली सोर्स ऑफ लाइटनेस। या इट्स द ओनली सोर्स ऑफ लाइटनेस, सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू डू दिस ब्यूटिफुली एंड ऑल्सो बिल्ड सम मसल्स। ऑलवेज बिल्ड सम मसल्स, सो नाउ यू बिल्ड इट सिंस आई हैव ग्रेट मसल्स। तो मारिया, जो मुझे समझ में आया है इन योर रेसिपी, ये क्रीमिंग ऑफ बटर एंड शुगर बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि फ्लफीनेस मिल सके। यस, एंड ये मुझे क्रीम करना है जब तक ये लाइट और फ्लफी ना हो जाए। वाव अंकिता, दिस इज सुपर्ब। हाँ, मैं बस एजेस क्लीन कर देती हूँ। ठीक है, ओके, अब मैं सीव कर रही हूँ। दिस इज 1.5 कप मैदा। ओके, आई एम गोना पुट दिस इन अ सीव। हम लोग इसलिए सीव करते हैं क्योंकि फर्स्टली टू सी टू इट that the maida is absolutely clean, koi impurities yeah, and then we put 2 teaspoons of baking powder. maine ye thoda sa maida main sieve kar rahi hu, main isliye sieve kar rahi hu kyunki firstly agar iske andar koi impurities hai to wo nikal jata hai, and the second part is you want to make the maida a little light, you want to aeration, you want to incorporate air into it. That's the, अगर आपको केक को फ्लफी बनाना है और उस आप चाहते हो कि वो सॉफ्ट हो तो एरेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस मेथड में भी आप एयर को ही अंदर डाल रहे हो जब आप क्रीम कर रहे हो, दैट्स वाई इट बिकम्स पेल येलो। इसमें भी जब वो सीव करती है तो एयर ही उसमें घुस रहा है एंड दैट इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अ केक। नेक्स्ट स्टेप है, इसके अंदर हम लोग सावर क्रीम डाल रहे हैं। सो नाउ आई एम गोना गिव यू वनीला एसेंस। तो इसके अंदर 2 teaspoons of vanilla essence. हमेशा जब केक मिक्स करते हैं, we always have to add dry ingredients into the wet ingredients. Okay, and you need to just fold this. और जब केक को फोल्ड करते हैं, just remember you have to be very very delicate and gentle with it. Okay, I think I'm done, Maria. Yes, this is done. It's beautiful. You know, it's perfect drop consistency. Yeah. Yeah. So I must tell you कि अगर जब आप केक बैटर बना रहे हैं, अगर वो ये ड्रॉप कंसिस्टेंसी नहीं है, ना ड्रॉप कंसिस्टेंसी इज बेसिकली जब केक बैटर लेते हैं ऐसे, इट नीड्स टू ड्रॉप, बूम। Oh, it's dropping everywhere. It's okay. It's spreading Christmas joy. तो जब आप ये बैटर केक के टिन में डालते हैं, you have to see to it कि ये हर कोने में जाता है। ये बहुत जरूरी है कि जो बैटर है वो एक जगह पे इकट्ठा ना हो जाए और वो अच्छे से स्प्रेड हो और वो आप ही कर ले, नहीं तो क्या होगा, वो कहीं पे इवनली बेक होगा, कहीं पे इवनली बेक नहीं होगा एंड योर केक विल नॉट लुक नाइस। तो स्प्रेड इट आउट इवनली जैसे कि मारिया कर रही है अभी, वेरी इम्पोर्टेंट। तो मारिया, अभी ये नेक्स्ट स्टेप क्या है? ओके, पहले तो ये एप्पल केक है इसलिए हमारे पास ये एप्पल्स है, पहले एप्पल्स को पील करते हैं, उसके बाद ये जो अंदर जो कोर है उसको निकाल देते हैं, जैसे कि हम खाते हैं एप्पल और कोर को निकालते हैं, सेम थिंग। एंड उसके बाद व्हाट वी हैव डन इज इसके अंदर 2 toothpicks डाले हैं बिकॉज वी नीड टू स्लाइस इट। नाउ व्हेन वी स्लाइस दिस सो दैट द स्लाइस डज नॉट गो कम्प्लीटली थ्रू बट स्टॉप्स एट द टूथपिक एंड मेक्स आवर लाइफ फार मोर इजियर,
That is why this is a nice cool trick. Super. तो अगर आप नए नए baking में घुसे हैं और आपको easily ये अचीव करना है जहाँ एप्पल पूरी तरह कट नहीं हो रहा है लेकिन छोटे छोटे स्लाइसेस बन रहे हैं जो बेक होने के बाद ऐसे थोड़े खुल जाते हैं, लुक्स वेरी प्रिटी. ये मारिया का ट्रिक है. आई एम गोइंग टू फॉलो दिस नाउ. आप भी फॉलो करना. और इसके बाद सो दैट यू डू नॉट गेट द एप्पल, यू नो दैट व्हेन यू कीप एन एप्पल आउटसाइड ये ऑक्सीडाइज हो जाता है. सो अ लिटिल बिट ऑफ लेमन जूस एंड ऑन टू द केक बैटर. या दिस इज फैब. यू नो क्रिसमस के लिए जब बहुत सारे लोग किचन में एक दूसरे को हेल्प करते हैं, आई थिंक इट्स जस्ट ब्यूटिफुल. नाउ पुट वन इन द सेंटर, फाइव ऑन द साइड एंड वी आर रेडी टू बेक. छोटू वाला इन द सेंटर. ओके. एंड आई पुश अ लिटिल. पुश इट अ लिटिल बिट. ओके. तो मारिया ये कितनी देर बेक करना है एंड एट व्हाट टेंपरेचर? सो 180 डिग्रीज फॉर 30 मिनट्स नॉर्मली. ओके. नाउ दैट हमारा केक अवन में बेक हो रहा है, यस, आई थॉट आई शुड आस्क यू अबाउट क्रिसमस. ओके. एंड वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, डू यू मेक एन एडिबल क्रिसमस ट्री? सो आई डू दिस रियली क्विक ट्रिक. आई बाय कुकीज फ्रॉम द मार्केट. ठीक है. तीन साइज में. हाँ. लार्ज. हाँ. मीडियम और छोटू. ओके. एंड यू टू सी कि ये कुकीज ऐसे स्टैक हो सकते हैं. आई गॉट इट. ओके. एंड देन ऑल यू डू इज यू टेक बटर क्रीम, फ्रॉस्ट इट एंड यू हैव द मोस्ट प्रिटी क्रिसमस ट्री रेडी. दैट वेंट अ लिटिल. Press it. Yeah. Put it here. Go back. Now what I could do is. This is so pretty. और ये तो आप easily बच्चों के साथ भी कर सकते हैं. Very easily. In fact, they love this. This goes here. And then right over this, we just put one. One little star. Okay. So now I think I'm going to give you the very difficult task. Yes. Of decorating this Christmas tree. Of course. Oh. Here it is. Star. A little edible. So pretty. Okay, Ankita. Yes. Our cake is beautifully baked and cooled. Yes. आपको मालूम है ना that we never ever unmold a hot cake. क्योंकि अगर आप unmold करने जाओगे hot cake, तो बहुत ही ज़्यादा chances है कि unmolding में वो टूट जाएगा. Yep. Absolutely true. आपको time देना है ताकि वो set हो. So this is it. We're going to now unmold it. It has been cool for at least an hour, so it's really safe to do so. And here it is. So it's so beautiful. Uh-huh. Okay. Okay, here Ankita. This is the. Are you telling me ki mujhe aur rukna padega isko khane ke liye? Nahi, actually we can eat it. Lekin ek minute. We need to put some, since it's Christmas, of course. We need some snow. Yes. So that's what we're going to do. Mm-hmm. This is icing sugar, guys. And all we do is now take it up here and dust the Christmas cake with some snow. तो आप ये एप्पल केक एंड क्रिसमस ट्री स्टैक्ड कुकीज आपके फैमिली के लिए कभी भी बना सकते हैं, राइट फ्रॉम क्रिसमस टिल न्यू ईयर. और अगर आपको कोई भी तैयारी करनी हो, दोस्तों के साथ पार्टी या फैमिली गैदरिंग, रिलायंस स्मार्ट सुपर स्टोर जरूर जाइए. सो हैव योरसेल्फ अ वेरी मैरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर.